ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपने जितना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ से मैं बस यही दुआ करता हूँ कि आपको वो हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये तीन काम आपको अभी इसी वक्त से छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये तीन काम करते हैं तो जीवन में कई सारी परेशानियों को आप खुद न्योता दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा यह है कि कोई परेशानी ना आए, उससे पहले ही हम सजग और जागरूक हो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि वक्त रहते अगर हम संभल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी से हम स्वतः ही बाहर निकल सकते हैं। तो वो कौन सी तीन बातें हैं जो बातें आपको अभी इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि आप नशा ना करें, आप ये ना करें, आप जुआ ना खेले, ये बेसिक चीज़ें नहीं। ये तीन बहुत मोरल, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और बड़ी चीज़ होने के साथ साथ ही मैं बहुत सारे जातकों से जब बात करता हूँ तो ये तीन बातें वो करने से उनकी कई सारी तकलीफ़ें या परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, इन बातों को समझें, और आप इन बातों को यदि अपने जीवन में अमल में लाना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा अपना वक्त ज़ाया ना करें। जिससे कि आपको ये बात अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कोई मतलब वाली बात है ही नहीं, सुनकर कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फ़ीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं, यह बात आपको अभी छोड़ देना चाहिए। मैंने बहुत सारे जातकों का ऐसा देखा है, वो बहुत भोले, बहुत सहज और सरल रहते हैं। जो उनके मन में आते होती है ना, वो किसी को भी कह देते हैं। उन्हें ये नहीं ऑब्जर्व करते कि किसी ये बात कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो अपने मन की जो सच बात होती है ना वो किसी को भी कह देते हैं। और इसी वजह से इस अच्छाई का लोग हमारे साथ मिसयूज हो जाता है। तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन में आपसे करना चाहता हूँ कि जो आपके मन में कोई तकलीफ या परेशानी जो भी हो, जो बहुत खास है हमारा, जो जिसको हम बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं उन लोगों ने, उन्हें ही वो बात शेयर करें। किसी को भी मन में जो भी आपकी भावनात्मक बातें हैं वो ना शेयर करें। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाने के साथ साथ हमारी तकलीफ घटाने की बजाय बढ़ जाती है। ज़रूर बताना चाहिए लोगों को, लेकिन उन्हीं लोगों को बताएं जो हमारे बहुत खास हैं। दूसरी आदत जो आपको हमेशा के लिए बदलना चाहिए दोस्तों, वो है उन लोगों से सावधान रहें जो बातों को इधर से उधर करते हैं। हमने किसी व्यक्ति को किस भाव में बात कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी अन्य की चुगली कर रहा है या उसकी बातें बता रहा है तो बेशक वो आपकी या किसी अन्य की बातें भी वो अन्य को बताता होगा और इसी में हम उलझ जाते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। और तीसरी आदत कि अगर अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर रहे हैं, तो आज अभी से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दें, बाद में बहुत पछताओगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय, लाइक करो, ओम नमः शिवाय।